मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कढ़ी चावल खा लो, आ जाओ। मैं हूं संतोष देवी, प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों भाई बहनों, कैसे हो आप? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आज हम बनाते हैं आपके लिए कढ़ी पकौड़ा और चावल। तो चलिए हम बनाते हैं। ये हमारी 1 किलो दही है, इसका हमने छाछ बना लिया है, मट्ठा बना लिया है। ये हमारा 1 कप बेसन है और कढ़ी बनाने के लिए मट्ठे की सहायता से इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमें ऐसे घोलना है, इसमें गुड़ी ना पड़ जाए। मट्ठा हमें धीरे धीरे मिलाना है। बेसन हमारा बहुत अच्छा घुल गया है। एक चम्मच मिर्च, नमक, हल्दी, नमक मिर्च की मात्रा स्वाद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम कढ़ाई रख रहे हैं, अब हम तेल डाल रहे हैं। जीरा, काली मिर्च, मेथी, चावल, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बेसन और मट्ठे के घोल को हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। हांडी का बचा हुआ मट्ठा भी डाल रहे हैं। थोड़ा पानी डाल रहे हैं। कढ़ी में बहुत अच्छी महक आ रही है। पहले हमें तेज आंच पे पकानी है, जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हमें इसे धीमी धीमी आंच पे 1 घंटे तक पकानी है ताकि इसमें अच्छा कलर आए। भी धीमी आंच पे कढ़ाना है, तभी तो हमारी अच्छी कढ़ी बनेगी। कढ़ी बनाने के लिए मट्ठा थोड़ा खट्टा होना चाहिए और कढ़ी
अगर हम लोहे की कढ़ाई या मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो उसका स्वाद और भी गजब का होता है। आज हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। मट्ठा थोड़ा खट्टा है ना, इसलिए देखिए कढ़ी में कैसा उफान आ रहा है। कढ़ी में अच्छे से उबाला गया है। अब हम इसे धीमी धीमी आंच पर करने के लिए छोड़ देते हैं और ढक देते हैं। ये हमारे आधा किलो चावल हैं, हमने 3-4 बार धुल लिए हैं। अब हम इन्हें भिगो कर रख देते हैं। अब चावल हमारे पक रहे हैं। चावल बनाने के लिए हमने चावल से 4 गुना पानी अधिक लिया है, क्योंकि ये चावल हम मांड उतार कर बनाएंगे। थोड़ा नमक, आधा नींबू, इससे हमारे चावल खिले खिले और सफ़ेद बनेंगे। चावल हमारे पक चुके हैं, अब हम इनका मांड उतार रहे हैं। देखो हमारा चावल एक खिला खिला बना है। चावल कितना सुंदर चावल बना है। हम अपनी कढ़ी चेक कर लेते हैं। देखो मध्यम मध्यम आंच पे हमारी कढ़ी कितनी प्यारी प्यारी पक रही है, कितनी अच्छी हो रही है कढ़ी। अब हम अपना पकोड़े बनाते हैं कढ़ी में डालने के लिए। एक कप बेसन पकोड़ों के लिए ले रहे हैं हम। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, थोड़ी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया कटा हुआ, कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी दही, थोड़ा पानी, पकोड़े बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। अब हम पकोड़े तल लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हम सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हैं। पकोड़ों को हमें सुनहरा होने तक तलना है। कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम पकोड़े डाल रहे हैं।
अब हमें पकौड़े डालकर ज्यादा देर पकानी नहीं है। अब हमारी कढ़ी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। जीरा, हींग, लाल मिर्च, पीली सरसों, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी धनिया पत्ती, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, पकोड़े वाली कढ़ी बनकर हमारी तैयार है। कढ़ी हमारी बहुत अच्छी बनी है क्योंकि हमने इसे मध्यम आंच पे पकाई है, कढ़ाई है, और हमारे चावल भी बनकर तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कढ़ी चावल खा लो, आ जाओ। कढ़ी पकौड़ा और चावल स्वाद से हैं भरपूर, उंगली चाटने को हो जाओगे मजबूर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।